आज 31 तारीख है जी। मैं कोई जानकारी देना चाहूं फोन पर लाइव आगे थे थोड़ा सा बीच में बोलियो ना भैया माली राम है मैंने विधानसभा छोड़ गया वह माली राम विधानसभा की गाड़ी है जी की लेन आवे माली राम पूछ के 31 तारीख है याद कराइए मैंने। अच्छा साथियों मैं ये कह रहा था आज 31 तारीख है मैं उन तमाम पेंशन धारियों से जो सामाजिक सुरक्षा में पेंशन लेते हैं उन सब से कहना चाहता हूं कि आप अपने ई मित्र पर जाकर के वो जीवित प्रमाण पत्र तस्दीक करना होता है तो आज करवा दो नहीं तो वो पेंशन बीच में ब्रेक हो जाएगी फिर आप यूं ही दफ्तरों के चक्कर काटते फिरोगे कि साहब हमारी पेंशन रुक गई पेंशन मिली नहीं। तो आप सब साथियों से मेरा निवेदन है कि आप इस बात को आगे से आगे भी बताओगे। ये अकेली भादरा विधानसभा क्षेत्र का मसला ही नहीं है पूरे राजस्थान का मसला है जो सामाजिक सुरक्षा में पेंशनधारी है उन सबको ये जीवित प्रमाण पत्र देना होता है वो ई मित्र पर जाकर तस्दीक करना होता है तो आप अपने निकटतम ई मित्र पर जाकर के ये बात बताएं। दूसरा मैं ये कहता हूँ मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जो लोग जुड़ना चाहते हैं आज भी ऐसे लोग हैं जो फोन करते हैं कि साहब हम तो जुड़े हुए नहीं अब हमारा ये करवा दो वो करवा दो करवाते हैं बड़ी भारी परेशानी होती है कभी कलेक्टर के चक्कर काटने कभी जयपुर हॉस्पिटल में गए तो जयपुर के कलेक्टर को फोन करना ये सारे काम होते हैं। तो आज आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से भी प्रीमियम दे करके जुड़ सकते हैं या आप अपना जुड़े हुए हो तो उस बात को आप तस्दीक कर सकते हो। कई बार क्या जुड़े हुए नहीं है लोग तो तस्दीक नहीं कर पाते तो उनको यूं लगता है जैसे हम जुड़े हुए नहीं। ये दोनों डेट आज मैंने सोचा याद करवा दूं विधानसभा जा रहा था आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलना भी है तो मैंने सोचा ये साथियों को अपडेट कर दूं। दूसरी बात यह कि सामाजिक सुरक्षा में पेंशन का दायरा बढ़ाने की बात भी हम विधानसभा में करने जा रहे हैं विकलांग साथियों के लिए निःशक्त जन के लिए और जो ये वृद्धा पेंशन है उसमें कर्मचारी जिनके बेटे बेटियां हैं उनको पेंशन नहीं दे रही सरकार हम सरकार से इल्तिजा करेंगे आज। अरे कर्मचारी जरूरी थोड़ी है सारे अपने माँ बाप को न्याल करें बहुत सारे न्याल करते हैं कई सारे उनमें दिक्कत होती है कई आ कह देंगे भाई बाबू बहंगे सिर है बाबू बहंगे सिर है माँ बहंगे सिर है। बात भी आज आप उठावांगा थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद।